हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा कोड है वो है G76 13 साइकिल। फ्रेंड, आज का वीडियो आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। आज का वीडियो हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। G76 एक साइकिल प्रोग्राम है, मोस्टली ये सभी मशीनों पे, सभी कंट्रोल पे यूज़ होता है। ठीक है, हमने जो आपको पिछला थ्रेडिंग का प्रोग्राम समझाया था वो था अपना G32 G33 पे, वो हमारा था मैनुअल थ्रेड। ठीक है, उसमें क्या होता है, कई जगह अगर ज़्यादा वेरिएशन हो तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, कट अपने हिसाब से डालते हैं, या साइकिल टाइम कम करना हो तो उसके हिसाब से हम कट डालते हैं। तो हर थ्रेड के लिए हमको अलग अलग वैल्यू देनी पड़ती थी। G76 में क्या है, हम सिर्फ 2 लाइनों में अपने थ्रेड की पूरी वैल्यू देंगे और हमारा थ्रेड बन के तैयार हो जाएगा। मोस्टली साइकिल प्रोग्राम हमारे चलते हैं G76 और G92, जो मोस्टली ज़्यादातर हर मशीनों पर चलते हैं। ठीक है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम अपने ड्राइंग की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास जो ड्राइंग दी हुई है, ये देखिए, जो हमारे पास ये ओडी की थ्रेड है। ठीक है, हम ओडी पे थ्रेड डालेंगे। तो जो हमारा ओडी का जो ऊपर का हिस्सा है वो होता है हमारा मेजर डाया। ठीक है, और जहाँ तक हमको थ्रेड को लेके जाना है नीचे तक, वो होता है हमारा माइनर डाया। ठीक है, ऊपर 22 से 20 तक थ्रेड डलेगी, तो मेजर डाया होगा हमारा 22 और माइनर डाया होगा 20। ठीक है, जो थ्रेड की लंबाई है वो हमारी है 40 mm, और इसमें पिच दी हुई है 1.5 की। पिच होती है हमारी, जैसे एक थर्ड से दूसरे थर्ड की दूरी को हम पिच बोलते हैं। ठीक है, इसमें एंगल डलेगा 60 डिग्री का। ठीक है, ये एंगल होता है, जैसे ये थर्ड का है, ये टेपर जैसा जो दिया हुआ है आपको, ये होता है हमारा एंगल होता है। तो इसको हम करते हैं 60 डिग्री डालते हैं। ठीक है, G76 में जो 2 लाइनें डलेंगी और उनमें जो सिंटेक्स डलेंगे, उनकी पहली लाइन में जो हमारा है वो डलेगा G76 P 0000000। ठीक है, 6 डिजिट आएंगे पी में। फिर आएगा हमारा Q 000000। फिर आएगा हमारा R 00 एंड दो ब्लॉक। ठीक है, सेकंड लाइन में जो सिंटैक्स आएंगे हमारे वो हैं G76। फिर आएगी X 0.00, Z 0.00। ठीक है, उसके बाद आएगा R 0.00, उसके बाद आएगा हमारा P 0000, Q 0000, फीड पिच जो मर्जी बस फीड है हमारी F 0.00 एंड डो ब्लॉक। ये हमारी फर्स्ट लाइन के सिंटेक्स हैं, ये हमारी सेकेंड लाइन के सिंटेक्स हैं। जो हमारी ये पहली लाइन के सिंटेक्स हैं उसमें दिया हुआ है P 0000000। इन 6 डिजिट का अलग अलग काम है। ठीक है, इनको हम दो दो भागों में बांट देंगे। 1 2 3, इनमें नंबर डाल देते हैं 1 2 3। ठीक है, पहला जो हमारा 2 जीरो है इसका काम होता है फ्री पासेस। ठीक है, या स्प्रिंग कट बोल सकते हैं इसको, फ्री पासेस, फ्री पासेस। ये होता है हमारा, जब हमारा यहाँ पे थर्ड हमारा जब डल जाता है तो हम क्या करते हैं, लास्ट में ना फ्री कट दे देते हैं। ठीक है, जिसमें वो कचरा कुचरा होगा तो वो साफ हो जाएगा। तो इसमें हम या तो 02 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, सिर्फ 2 लिख दो 02, या लिख दो 03। ठीक है, तो क्या होगा ना, हमको लेकिन चाहे 2 ही कट डालने हो चाहे 3 कट डालने हैं, 00 साथ में लगाना है, 02। ठीक है, एक जगह 0 एक जगह 2 या 03। तो क्या होगा ना, लास्ट में 3 कट लेगा, 3 लिखेंगे 03 तो 3 कट लेगा, सिर्फ पासिंग कट लेगा, कटिंग नहीं करेगा, सिर्फ पासिंग करेगा। 1 2 3, 2 डालेंगे तो 1 2, तुड़ी हमारी चलेगी ऐसे ऐसे, और 2 पासिंग कट डालेंगे। ठीक है, अगला 00, ये होता है हमारा चैम्फरिंग अमाउंट। क्या होता है, जब हम थर्ड डालते हैं तो थर्ड में सेंटर फर्स्ट में या पीछे हम चम्फर थोड़ा डालते हैं कि हमारा थर्ड आराम से डल जाए। तो क्या होता है, आजकल तो ओडी के टूल में, वैसे हम ओडी के टूल से ही चम्फर रेडियस ले लेते हैं, तो इसमें हमको वैल्यू डालने की जरूरत नहीं है, इसको हम 00 ही छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये होता है हमारा चम्फर अमाउंट, चम्फर अमाउंट। ठीक है फिर थर्ड है हमारा 00, ये हमारा होता है एंगल, इसमें हम थ्रेड का एंगल डालते हैं।
अब BSW का एंगल अलग होता है, मैट्रिक थ्रेड का एंगल अलग होता है, ठीक है, NPT का थ्रेड अलग होता है, हर थ्रेड के अलग अलग एंगल होते हैं। तो जितनी हमको चार्ट में दी होगी एंगल उतना लिखेंगे। अभी हम मैट्रिक का थ्रेड डाल रहे हैं तो मैट्रिक के थ्रेड में मोस्टली 60 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है, तो हम यहाँ 60 डिग्री डालेंगे जब हम प्रोग्राम बनाएंगे। तो ये होता है हमारा एंगल। ओके, अगला है हमारा Q000, ठीक है, ये होता है हमारा डेप्थ ऑफ नॉर्मल कट, ठीक है, ये होता है डेप्थ ऑफ नॉर्मल कट। ये होता है हमारा जैसे कि थ्रेड डालना है, और थ्रेड में हम क्या करते हैं, चार पांच कट ना एक ही साइड के डालते हैं, जैसे कि 0.3 का या 0.2 का कट हम ना चार पांच एक ही जैसे कट डाल देंगे, तो क्या होगा, वो बार तीन चार बार 0.2 का ही कट लगाया, 1 2 3 4, ठीक है, उसमें हम 0.2 का दे दें अपने साइज पीस के हिसाब से है, या 0.3 के चार कट दे दें या 0.2 के चार कट दें, तो वो होता है हमारा पासिंग कट, नॉर्मल कट, ठीक है, नॉर्मल कट, नॉर्मल कट या पासिंग कट कह लोगे, ठीक है। अगला हमारा है R00, ये होता है हमारा जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो 00 है इसमें हम पासिंग कट देंगे, फ्री कट देंगे खाली, लेकिन इसमें भी हम थोड़ा सा मार्जिन छोड़ देंगे, वो छोड़ेंगे यहाँ पे, ये होगा माइक्रोन्स में। माइक्रोन्स में कितना होगा, जैसे कि 10 माइक्रोन, 20 माइक्रोन, 30 माइक्रोन, 40 माइक्रोन, मतलब माइक्रोन में ही काटना है, हल्का सा कट देना है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 40, 40 डालेंगे, ये 40 माइक्रोन में ही 40 माइक्रोन का कट इसको मिलेगा। इसमें यहाँ हम तीन कट डाल देंगे तो तीन, एक कट तो 40 का ले लेगा, बाकी वो फ्री पास ही चलेंगे खाली, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फिनिशिंग अमाउंट, फिनिशिंग में जो अमाउंट छोड़ना है, फिनिशिंग अमाउंट, ठीक है, फिनिशिंग अमाउंट। अब हमारा दूसरी सेकंड लाइन, ठीक है, ये हमारी आ गई सेकंड लाइन G76 की, ठीक है, ये हमारा X0.00, ये जो वैल्यू होती है ये हम डालते हैं जैसे हम OD का डाया डाल रहे हैं, जैसे हम OD का थ्रेड डाल रहे हैं, ठीक है, तो OD का थ्रेड जो ऊपर का है वो मेजर डाया, और जहाँ तक हमको जाना है माइनर डाया, तो यहाँ हमको वो माइनर डाया लिखना होता है। तो ठीक है, जैसे हमारा मेजर डाया 22 है, लेकिन हमको जाना कहाँ तक है, 20 mm, या आपके चार्ट पे दिया होगा जब भी आपको मिलेगा, या चार्ट पे ना दिया हो साइज, तो वो मैं और भी प्रोग्राम बनाऊंगा उसमें आपको मैं बताऊंगा कि साइज हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो अगर वो आपके चार्ट में दिया हुआ है, जैसे हमने यहाँ पे दिया हुआ है 20 mm, तो हम यहाँ पे लिखेंगे X 20 mm, ठीक है फ्रेंड। तो ये हमारा हो गया माइनर डाया, यहाँ माइनर डाया लिखेंगे, माइनर डाया। ओके, अगली अगली लाइन में चलते हैं, Z0.00, ये होता है हमारा थर्ड की लेंथ, ये देखिए थर्ड की लेंथ, जो थर्ड हमारा जहाँ तक पड़ेगा, ठीक है, तो थर्ड की जितनी लेंथ आपको दी होगी वो आप यहाँ पे आपने डालना है, तो आप यहाँ लिख लीजिए थर्ड लेंथ, ठीक है फ्रेंड, ये थर्ड लेंथ। अगला R0.00, ये होता है हमारा रेडियस टिप पर। अभी जैसे ये सीधा सीधी टिप सीधा थ्रेड है हमारा, ठीक है, इसमें सीधी चूड़ी डाल रहे हैं, कईयों में होगा कि हमको टेपर थ्रेड डालना पड़ता है, तो हम क्या करते हैं ऊपर टेपर निकाल के यहाँ रेडियस डाल देते हैं टेपर के लिए, तो ये उस तरीके से यहाँ पर टेपर थ्रेड उठा लेगा। तो अभी हम अगर अगर तो हमारे अगर हमको सीधी चूड़ी डालनी है, ठीक है फ्रेंड, अगर आपको सीधी चूड़ी डालनी है तो आप इसको 0 0 छोड़ दीजिए, या यहाँ से मिटा भी दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तभी हमारा प्रोग्राम चल जाएगा। अगर यहाँ पे रेडियस दिया है, टेपर दिया हुआ है यहाँ पे, तो आपको वो वैल्यू निकालनी पड़ेगी और यहाँ डालना पड़ेगा, ठीक है। नहीं नहीं दिया हुआ टेपर तो आपको नहीं दिया हुआ तो आप इसको 0 0 छोड़ दीजिएगा, ठीक है। अगला है हमारा, तो यहाँ हम लिख देते हैं रेडियस वैल्यू, रेडियस या टेपर वैल्यू, ठीक है फिर ये हमारा P00, ये होता है हमारा टोटल डेप्थ ऑफ अमाउंट। ये होता है जैसे कि हमारा ऊपर का डाया 22 है, नीचे का माइनर डाया है 20, तो 20 22 में से 20 निकालेंगे कितने बचेंगे, 2 mm, तो वहाँ पे हमको लिखना है डेप्थ ऑफ अमाउंट कितना, 2 mm अमाउंट लिखना है, लेकिन ये माइक्रोन्स में है, ठीक है,
ये और ये डबल हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे अगर हमको 2000 का डालना है इसमें अमाउंट, तो हम लिखेंगे 1000, ऐसे 1000 लिखेंगे तो ये 2000 उठाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ, हमारा ये डिफरेंस कितना है, 2 mm का है, तो हम यहाँ 1000 लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा टोटल डेप्थ ऑफ अमाउंट, टोटल डेप्थ ऑफ अमाउंट, ठीक है फ्रेंड। याद रखना अगर हम यहाँ 1000 डालेंगे तो 2000 हो जाएगा। जैसे अब हमको 2 mm का यह डालना है डेप्थ ऑफ अमाउंट, तो हम यहाँ 1000 लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा 2000 उठा लेगा। अगला है हमारा Q00, ये होता है हमारा डेप्थ ऑफ फर्स्ट कट। क्या होता है, जब हम चूड़ी डालते हैं तो सबसे पहले जो कट डालते हैं, ये कट जो भी है ये हमारे गहराई में जाता है, पर जो हमारा फर्स्ट कट होता है वो गहराई में नहीं, ऊपर से पहला कट लेगा, तो उसमें हम ज़्यादा कट भी डाल सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे 2.5 भी लिखेंगे, 2.5 का कट डालेंगे ना, सॉरी 0.25 का कट डालेंगे ना, तो ये 0.5 का कट उठाएगा, पहला कट 5.5 का उठा लेगा, ठीक है। एक दो कट चल जाएंगे बड़े वाले, लेकिन बाद में क्या होता है, कट हम बड़े कट नहीं डाल सकते क्योंकि वो गहराई में जाएगा। तब हम वो यहाँ पे नॉर्मल कट डाल देते हैं 0.2 के लगातार, फिर फिनिशिंग में यहाँ पे जैसे हमारा 40 माइक्रोन का छोड़ दिया, लेकिन फर्स्ट कट हम थोड़ा बड़ा लेते हैं, हैवी कट लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे डेप्थ ऑफ फर्स्ट कट, डेप्थ ऑफ फर्स्ट कट, ठीक है फ्रेंड। ये हमारा डेप्थ ऑफ फर्स्ट कट। ये हमारी फीड, जो फीड होती है ये हम पिच डालते हैं, जो पिच होती है थ्रेड की। तो थ्रेड की पिच क्या होती है, एक थर्ड के दोनों थर्ड के जो बीच की दूरी है इसको हम पिच बोलते हैं। पिच हमारे पास दी है 1.5, तो हम यहाँ डालेंगे 1.5, ठीक है 1.5। तो यहाँ हम लिखेंगे पिच, ठीक है। ये हमारी पिच हुई, जितनी भी पिच होगी वो हम फीड के नीचे डाल देंगे, ठीक है। तो ये हमारे सेंटेंस है। अब मैं आपको एक छोटा सा प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ ये कैसे डलेगा, ठीक है। तो मैं आपको एक छोटा सा प्रोग्राम बना के दिखा देता हूँ। हम ओडी के टूल का प्रोग्राम नहीं बनाएंगे, थर्ड का सिंपली बना लेते हैं क्योंकि बहुत बड़ा प्रोग्राम बन जाएगा। तो N2 में सीक्वेंस नंबर लिख के प्रोग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे N2 एंड ऑफ ब्लॉक, उसके बाद हम टूल कॉल करेंगे। होम पोजीशन में जाने के लिए लिखते हैं हम G28 U0.00 W0.00 एंड ऑफ ब्लॉक। इसके बाद हम टूल कॉल करेंगे T0505 एंड ऑफ ब्लॉक, कूलेंट के लिए M08, ठीक है एंड ऑफ ब्लॉक। उसके बाद हम अपने स्पिंडल को घुमा देंगे, चक्के को घुमा देंगे, उसके लिए लिखेंगे हम G97 S1000। आप जितना भी रख सकते हैं अपने पीस के हिसाब से, क्योंकि तो थर्ड में ज़्यादा हम स्पिंडल स्पीड नहीं रखते हैं, 1000 या 700, 800, ठीक है। और M04 थर्ड के टू, जो थर्ड में जो हमारा चक्का जो घूमता है तो उसको ज़्यादा हम मोस्टली M04 में ही घुमाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमको टूल कॉल करना है। तो जो ये देखिए, जैसे कि ये हमारा जॉब है, हमें पीछे से अपने टूल को लाना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, रैपिड में G00X, हमारे हमको कित हमारा माइंड मेजर डाया कितना है 22 mm, तो हम इसको रखेंगे 24.00, Z2.00 2 mm पीछे रखेंगे, ठीक है। तो अब हमारा टूल यहाँ पे होगा, यहाँ से हमको अब हमारा कोड डालना है G76 का। तो कैसे डालेंगे, G76, ठीक है X, यहाँ नहीं सॉरी लिखेंगे G76, P की वैल्यू लिखेंगे P02, ठीक है। ये दो मैंने आपको बताया था हमारा फिनिशिंग कट होगा, ये फ्री कट होगा, तो यहाँ 02 लिखेंगे। उसके आगे चलिए, अगला 00 जो है हमको, यहाँ आपको मतलब मैं बताया था कि इसमें हम चैम्फर नहीं रखते हैं क्योंकि हमारा ओडी टूल से बन जाता है, तो हम यहाँ इसको 00 ही रखेंगे। अगला है हमारा एंगल, एंगल कितना दिया हुआ है हमारा 60 डिग्री, जो भी आपके चार्ट में होगा वो वहाँ पे लिख देंगे 60, ठीक है। ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। इसके बाद होता है हमारा क्यू, क्यू हमारा होता है रिपीट कट, ठीक है, नॉर्मल कट कह लीजिए, रिपीट कट कह लीजिए, मैंने आपको पहले बताया था। तो इसमें जो हमारे चार पांच कट जो होंगे या तीन तीन चार कट जो होंगे वो एक ही पॉइंट पे होंगे, जैसे कि 0.3 के ही लगातार कट लगेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम 150, ठीक है
150 माइक्रोन में ही लिखना है, पॉइंट पॉइंट नहीं डलेगा, 150 लिख देंगे तो ये क्या होगा, डबल इफेक्ट होगा, डबल कट हो जाएगा ये, एक 150 हो जाएगा हमारा 300 हो जाएगा, तो 300 के हमारे चार कट लगातार डल जाएंगे, जितने भी हमारा पीस का जो दिया हुआ है ना यहाँ पे, उतने कट ये लगातार तीन चार कट उठाएगा, ठीक है। उसके आगे है, उसके आगे हमको जाने के लिए अगले है आर, आर हमारा है, ये हमारा है फिनिशिंग अमाउंट, ठीक है। तो फिनिशिंग अमाउंट कितना छोड़ेंगे, 40 माइक्रोन, 50 माइक्रोन, तो हम यहाँ लिखेंगे 40, ठीक है, 40 लिख देंगे। तो लास्ट में ये यहाँ जो हमको फिनिशिंग जो कट मिलेगा उसको 40 माइक्रोन का कट मिलेगा, यहाँ तीन कट लग जाए, चार कट लग जाए, हमने दो कट लगाए हैं, क्योंकि ऐसे साइकिल टाइम बढ़ जाएगा। अगर ज़्यादा फिनिशिंग हमको देना है तो हम तीन भी लिख देंगे, चार भी लिख देंगे, अगर हमको नॉर्मल फिनिशिंग चाहिए सिंपली, और हमारा टूल भी पीस भी सही बन रहा है, तो हम 02 का कट में कर लेंगे, ठीक है, दो कट में हमारा फिनिश आ जाएगा। तो यहाँ हम 40 माइक्रोन लिखेंगे एंडो ब्लॉक, ठीक है, ये हमारी फर्स्ट लाइन हो गई। तो ये फर्स्ट लाइन वहाँ प्रोग्राम में मत लिख देना, ये वैसे आपको समझाने के लिए लिखा था, ठीक है। सेकेंड लाइन G76 एक्स, एक्स की वैल्यू यहाँ लिखनी है हमको, जो हमारा माइनर डाया, जैसे कि हम ओडी पे थ्रेड डाल रहे हैं, और ओडी का थ्रेड हमारा जहाँ तक जाएगा, ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे ख़त्म होगा, ये हमारा माइनर डाया 20, 20 तक हमारा डाया हमारे थ्रेड पड़ेगा, तो हम यहाँ लिखेंगे एक्स 20.00, ठीक है, माइनर डाया लिखेंगे। उसके बाद आएगी हमारी जेड वैल्यू, तो जेड वैल्यू कितनी हमारी, हमको थ्रेड में कितनी लंबी थ्रेड डालनी है, देखिए यहाँ लिखा हुआ 40 mm, तो हम लिखेंगे जेड माइनस 40.00, ठीक है, ये वैल्यू हो गई। इसके बाद आती है हमारी रेडियस, अगर तो यहाँ पे टेपर दिया हुआ है तब तो हम यहाँ पे टेपर डालेंगे, रेडियस डालेंगे, ठीक है, अगर यहाँ पे टेपर नहीं दिया है तो हम यहाँ रेडियस नहीं डालेंगे, तो यहाँ पे हम 0.00 भी लिख सकते हैं, 0.00, ठीक है, तब भी हमारा प्रोग्राम चल जाएगा, रेडियस डालेंगे तभी चल जाएगा, अगर रेडियस नहीं दिया हुआ है तभी हम 0.00 डाल के अपना प्रोग्राम चला सकते हैं, ठीक है। अगला है की वैल्यू होती है हमारी टोटल डेप्थ ऑफ अमाउंट, जैसे कि हमारा मेजर डाया 22 mm है और माइनर डाया 20 mm, तो इसके बीच की जो हमारी है वो साइज बताना है हमको, जब से 20 22 में से, ये देखिए 22 में से 20 गया, कितना बचा, 2 mm, तो यहाँ पे हमको 2 mm का अमाउंट डालना है, तो दो हम यहाँ पे 2 mm का पूरा अमाउंट नहीं डाल सकते क्योंकि वो डबल हो जाएगा, यहाँ हम लिखेंगे 1000, ठीक है, 1000 लिखेंगे तो ये अपने आप डबल हो जाएगा, यहाँ हमको माइक्रोन्स में लिखना है, ठीक है। अगला है हमारा, इसको मिटा देते हैं, अगला हमारा क्यों, क्यों होता है हमारा डेप्थ ऑफ फर्स्ट कट, जैसे कि यहाँ पे हमने फिनिशिंग कट दिया, ठीक है, इस पे फिनिशिंग कट दिया, यहाँ पे हमने फ्री कट दे दिए, जो भी नॉर्मल कट दे दिए, लेकिन यहाँ पे हमको डालना डेप्थ ऑफ फर्स्ट कट, क्या होता है ना, ये जो कट है ये चूड़ी के अंदर डलेंगे, और जो कि क्यू की वैल्यू है ये कट डलेगा सबसे पहले, तो सबसे पहले वाला कट हम ज़्यादा ले लेते हैं कि एक ही बार में ज़्यादा कट डाल देगा, तो यहाँ हम लिखेंगे, हम लिखेंगे 200, ये भी माइक्रोन में लिखना है, 200 लिखेंगे तो ये 400 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड, 200 लिखेंगे फर्स्ट कट हमारा 400 का लगेगा। उसके बाद है एफ, ये होता है फीड, फीड हमारी कितनी थी, पिच, यहाँ पिच की वैल्यू लिखी जाएगी, तो पिच हमारी कितनी है, 1.5, तो हम यहाँ लिखेंगे 1.5 एंडो ब्लॉक, ये हमारी पूरी लाइन आ गई। अब इसमें ही हमारा पूरा थ्रेड बन के तैयार हो जाएगा, और हमको वापस जाने के लिए यहाँ लिखेंगे रैपिड के लिए G00 जेड 10.00, ठीक, होम पोजीशन के लिए वही G28 U0.00 W0.00 M09 कूलेंट ऑफ के लिए, एंडो ब्लॉक जरूर लगाना है दोस्तों, नहीं तो ये ब्लॉक चलेगा नहीं, M30 प्रोग्राम एंड एंड रीसेट, ठीक है, यहाँ पे हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, ठीक है मैम। अगर आपको इसमें कुछ भी आपको समझ ना आ रहा हो या कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आप वहाँ पे मैसेज कीजिए, जो भी आपको समझ नहीं आ रहा है मैं उसका जवाब आपको जरूर दूंगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको मेरे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है फ्रेंड्स।